हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो कि जब एम्ब्रियो से के अंदर टू मेल गैमेट रिलीज हुए थे, उन टू मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ था एग सेल के साथ में, जिसने फॉर्मेशन किया था जायगॉट का। इस जायगॉट से ही हमने पढ़ा था कि डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ था डाइकॉट प्लांट में। आज हम पढ़ते हैं कि मोनोकॉट प्लांट में ये एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो वहां पर जैसे हमने देखा था कि जायगॉट से फॉर्मेशन हो रहा था एम्ब्रियो का, सेम ऐसे ही यहां पर भी फॉर्मेशन किससे होगा? जायगॉट से होगा। ये जो है हम बोल सकते हैं जायगॉट, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और जो चेंजेस होंगे इसको देखने के लिए हम यहां पर फिर से जो एंड्स है उसको शो कर देते हैं। ये एंड माइक्रोपाइल एंड और ये वाला एंड जो होगा वो स्टेलाजल एंड। अब इसमें डिवीजन होगा और ये जो डिवीजन होता है कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और इस डिवीजन से फॉर्मेशन होगा टू सेल का। ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ इससे फॉर्मेशन हुआ टू सेल का। इस सेल को हम बोलते हैं बेसल सेल और इस सेल को कहा जाता है एपिकल सेल। पहले टू सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में यहां पर फिर से डिवीजन होगा। अब यहां पर डिवीजन जो होगा बेसल सेल में डिवीजन नहीं होता है। वहां पर हमने देखा था कि बेसल सेल जो है वो डिवाइड होकर के फॉर्मेशन करती थी सस्पेंसर का एंड हॉस्टोरियल सेल का, लेकिन यहां पर बेसल सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा। और ये जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल में डिवीजन होता है। यहां पर ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन एक और हुआ वो कहां पर हुआ? एपिकल सेल में हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर थ्री सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और इस थ्री सेल स्ट्रक्चर से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो होगा वो डेवलप्ड होगा। इसको हम बोलते हैं बेसल सेल। ये सेल जो है इस सेल को अब हम बोलेंगे टर्मिनल सेल। और यहां पर इस सेल को हम बोलते हैं मिडल सेल। तो अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है। यहां पर जो डिवीजन होगा अब वो डिवीजन इस सेल में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेसल सेल जो रहते हैं, बेसल सेल तो जैसी है वैसी ही रहेगी। बेसल सेल ये सिर्फ क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है, या हम बोल सकते हैं कि एक तरह से हॉस्टोरियल सेल का काम करती है। यहां पर इसमें कोई डिवीजन नहीं, कोई चेंज नहीं। टर्मिनल सेल जो रहती है इससे फॉर्मेशन होता है कॉटिलेडन का। और मिडिल सेल से मोनोकॉट एम्ब्रियो के जितना भी पार्ट है कॉटिलेडन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? टर्मिनल सेल कर रही है। बाकी जितना भी पार्ट है प्लूम्यूल है, रूट एपेक्स है, या यहाँ पर एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, बाकी का जितना भी पोर्शन होता है वो किससे फॉर्म होता है? वो मिडिल सेल बनाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं हम इसको। ये सेल जो है वो मिडिल सेल और सबसे ऊपर की सेल जो है वो हो गई हमारी टर्मिनल सेल। तो ये टर्मिनल सेल, इसमें डिवीजन होगा और फॉर्मेशन होगा किसका? कॉटिलेडन का। ये जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल में डिवीजन हुआ, सभी प्लेन में डिवीजन होता है यहां पर। और इस तरह से ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और ये जो मिडिल सेल है किस किस का फॉर्मेशन कर रहे हैं? ये फॉर्मेशन करेगी प्लूम्यूल का, रेडिकल का, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो जितने भी एम्ब्रियोनल पार्ट है वो किससे फॉर्म हो रहे हैं? मिडिल सेल से फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ देखते हैं। वहां पर हमने देखा था
बेसल सेल जो है वो फॉर्मेशन करते सस्पेंसर का। यहाँ पर सस्पेंसर का फॉर्मेशन भी किससे होता है, ये जो मिडिल सेल होती है ये फॉर्मेशन करती है किसका, सस्पेंसर का। यहाँ पर हमारी है बेसल सेल, ये स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमको। यहां पर इस पोर्शन में कुछ सेल्स हैं जो सस्पेंसर सेल की तरह फंक्शन करती है, ये सेल होती है सस्पेंसर सेल, ये है बेसल सेल, और यहां पर हम देखेंगे इस जगह पर जिस जगह से कॉटिलेडन अराइज होता है, कॉटिलेडन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सिंगल कॉटिलेडन लेटरल साइड में अराइज हो रहा है, जिस जगह से कॉटिलेडन अराइज होता है इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडनरी नोड। ये हमने डायकॉट में भी देखा था, कॉटिलेडनरी नोड से ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और इसके नीचे का जो पोर्शन रहता है यहां पर ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये पार्ट जो है ये है हाइपोकोटाइल। इसमें हम यहां पर देखेंगे कि ये जो पोर्शन रहता है हाइपोकोटाइल से ये जो फॉर्मेशन होता है ये क्या बनाएंगे, यहां पर होता है रूट कैप रहता है और इसके ऊपर एक थिन शीट होती है, यहां पर एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये शीट इस पोर्शन को क्या कर रही है, कवर कर रही है, इसको हम बोलते हैं कॉलियोराइजा। सेम ऐसे ही यहां पर ये जो एपिकोटाइल का ये पोर्शन रहता है यहां पर भी एक शीथ होती है जो इस पार्ट को कवर करती है, इस प्रिम्यूल को कवर करती है, इसे हम बोलते हैं कॉलियोपटाइल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है हमको। अब क्या होता है इसके बाद में, यहां पर ये जो बेसल सेल है और सस्पेंसर सेल है वो क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, और इसके डीजनरेट होने के बाद में जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको। यहां पर कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन है जिस जगह से जुड़े हुए हैं उसको बोलेंगे कॉटिलेडनरी नोड, और यहां पर हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बतानी है आपको कि ये जो कॉटिलेडन्स रहते हैं ये थिन शीट से कवर रहते हैं, इसके चारों तरफ थिन शीट होती है, तो इसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, इसे कहा जाता है। इसके जो ये जो कॉटिलेडन है पूरी जो शीट से कवर हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर जो बना है कि यहां पर ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, कॉलियोपटाइल है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉलियोराइजा, और यहां पर ये जो नोड है कौन सा नोड, कॉटिलेडनरी नोड जहां से कॉटिलेडन अराइज हो रहा है, इसमें कॉटिलेडन में हम देखेंगे कि इसके चारों तरफ जो रहती है थिन शीट रहती है, और ये जो शीट रहती है वो कुछ इस तरह से रहेगी, और इसमें हम इसे हम बोलेंगे स्क्यूटेलम। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। अब यहां पर ये एक सीड का स्ट्रक्चर जो मेज है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो जो है वो अरेंज रहता है। ये जो सीन है इसमें हम देखेंगे कि ये मेज सीन है, इसमें एक एपिथेलियम बनने की वजह से
एपिथेलियल लेयर की वजह से यहाँ पर इसकी कैविटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लोअर पार्ट जो है उसे हम एम्ब्रियोनल कैविटी बोलते हैं, अपर पार्ट जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एंडोस्पर्म रहता है ये होता है ट्रिप्लॉइड, इसमें एक आउटर कवरिंग फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीन लेयर होती है, और इसमें अंदर की साइड जो है वो स्टार्च रहता है, और ये जो लेयर फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं स्टार्च लेयर। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो अरेंज कहां पर है, एम्ब्रियोन कैविटी में, और यहां पर एम्ब्रियो जिसमें पॉलीराइज है ये कॉलिप्टाइल कॉटिलेडन, और मोनोकॉट में हमें मालूम है कि यहां पर जो कॉटिलेडन रहते हैं उनमें कोई भी फूड रिजर्व नहीं होता है। तो अब यहां पर ये जो एम्ब्रियो है इसे कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे होता है नरिशमेंट इसका, तो यहां पर ये जो स्टार्च होता है जब कुछ एंजाइम की हेल्प से ये स्टार्च सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो यहां पर ये क्या होता है, ये कॉटिलेडन की हेल्प से पहुंचता है किसमें, एम्ब्रियो में, इसीलिए कॉटिलेडन जो रहता है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम समझते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका मोनोकॉट एम्ब्रियो का, जिसमें ये लिया गया है ग्रास से। तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी जैसे हमने डेवलपमेंट में पढ़ा कि इसमें ओनली सिंगल कॉटिलेडन रहता है जो साइड से प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम इसकी एक्सेस देखते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कॉटिलेडन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमको, मोनोकॉट मीन्स इसमें कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे, सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। तो वन कॉटिलेडन जो फंक्शनल होता है वो कहां पर है, साइड से प्रोड्यूस हो रहा है ये कॉटिलेडनरी नोड, और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम बोलते हैं मीन्स इसका जो सिंगल कॉटिलेडन है इसके कॉटिलेडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। अभी हमने पढ़ा कि साइड में जो कॉटिलेडन है वो स्क्यूटेलम होता है। इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे, यहां पर एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि नॉन फंक्शनल कॉटिलेडन होता है, इसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। मोनोकॉट प्लांट है चूंकि सिंगल कॉटिलेडन जो होगा वो डेवलप्ड होगा, इसीलिए इसको हमने नाम दिया स्क्यूटेलम, और जो रिड्यूस फॉर्म में रहता है इसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। इसमें यहां पर ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये है रूट कैप। रूट कैप के ऊपर का स्ट्रक्चर जो रहता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर रूट कैप में जिसको कवर किया हुआ है, सीधे से बात है इसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, रेडिकल होगा, क्योंकि रूट कैप किसको कवर कर रही है, जिस पोर्शन से रूट का फॉर्मेशन होगा उसको कवर करती है रूट कैप, तो ये पार्ट जो है वो है रेडिकल। और इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे कि ये जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन, यानी कि रेडिकल, रूट कैप और ये स्ट्रक्चर जो है एक थिन कवरिंग से कवर्ड है, ठीक है, थिन शीट से कवर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलियोराइजा। ये स्ट्रक्चर जो होगा ये होगा हमारा कॉलियोराइजा। इसके बाद में अगर हम इस एक्सिस के ऊपर का पार्ट देखते हैं तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि ये पार्ट जो है ये क्या है, शूट एपेक्स है, मींस ये क्या फॉर्म करेगा, शूट को बनाएगा, और हम बोल सकते हैं कि ये प्रिम्यूल है और साथ में प्राइमोडिया रहता है। प्रिम्यूल किसका फॉर्मेशन करता है, स्टेम सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और जो हमारा प्राइमोडिया रहता है लीफ प्राइमोडिया उससे फॉर्मेशन होता है किसका, लीफ का। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये जो शूट एपेक्स है इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि एक थिन शीट की कवरिंग है, यहाँ पर ये थिन शीट की कवरिंग है इस पर भी, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किसका है, मोनोकॉट एम्ब्रियो का, किसमें, ग्रास के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। तो देखते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के साथ में एक बार डाइकॉट एम्ब्रियो को।
डाइकॉट एम्ब्रियो में हमने देखा था यहाँ पर टू कॉटिलेडन प्रेजेंट है, ये था प्रिम्यूल जो फ्यूचर स्टेम का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर ये पार्ट था रेडिकल जो फ्यूचर रूट सिस्टम को बनाता है, और ये पार्ट जो रहता है वो होता है रूट कैप जिसे हम कैलेक्ट्रा भी बोलते हैं। कॉटिलेडनरी नोड जो रहता है जहां से कॉटिलेडन अराइज होता है उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडनरी नोड, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो वहां से जो लोअर पोर्शन होता है मतलब कॉटिलेडनरी नोड से नीचे का पोर्शन जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, रेडिकल का या हम बोल सकते हैं फ्यूचर रूट का। और कॉटिलेडनरी नोड से ऊपर का जो पोर्शन रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, जिससे फॉर्मेशन होता है प्रिम्यूल का और जो बनाता है फ्यूचर स्टेम को। तो डाइकॉट इस तरह का एम्ब्रियो जो है हमें देखने को मिलता है, कहां पर ये मिलेगा आपको, पी में इस तरह का एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, ग्राम में इस तरह का एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, और इसे डाइकॉट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर टू कॉटिलेडन प्रेजेंट है। पर इस तरह का जो एम्ब्रियो रहता है मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो रहता है इसको मोनोकॉट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट रहता है। और इसमें हम देखेंगे कि जो इस तरह का एम्ब्रियो है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मेल्स जो रहता है उसमें भी मोनोकॉट एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं फ्रूट, फ्लावर का पार्ट था कार्पल और पिस्टल, इसके अंदर एक पार्ट था ओवरी जो स्वेलन पार्ट था, इसमें हमने देखा था प्रेजेंट थे ओव्यूल, और ओव्यूल में जो प्रोसेस हुई थी वो थी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था सिनगैमी प्रोसेस हुई थी और ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। जब ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो वहां पर क्या होता है कि जो ओवरी रहती है ओवरी मैच्योर होकर के बनाती है फ्रूट को, और ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का। तो फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं मैच्योर ओवरी जो फर्टिलाइजेशन के बाद में कन्वर्ट हो रही है किसमें, फ्रूट में। और जो ओवरी की वॉल होती है ये फॉर्मेशन करती है फ्रूट की वॉल का, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। यहां पर हम देखेंगे कि जो पेरिकार्प है वो ड्राई फॉर्म में है या वो फ्लैशी फॉर्म में है, इस बेस पर जो फ्रूट रहता है उसको क्लासिफाई किया गया है फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट में। फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं जिनमें की एक्टोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाती है, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। और इसके एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, मैंगो में हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कि अगर पेरिकार्प, एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में डिफरेंशिएट नहीं होती है तब हम ऐसे फ्रूट को बोलते हैं ड्राई फ्रूट, ग्राउंडनट और मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्रूट है वो सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहा है या ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी फ्रूट बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इस बेस पर फ्रूट्स को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप में, फर्स्ट है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनका डेवलपमेंट सिर्फ ओवरी से होता है, मीन्स ओवरी इन्वॉल्व रहती है फ्रूट को बनाने में, ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और इसके एग्जांपल है पी एंड मेज। इसके अलावा जब फ्रूट को बनाने में ओवरी के अलावा दूसरा पार्ट जैसे कि थैलेमस जो है वो इन्वॉल्व रहता है, ओवरी के साथ साथ में थैलेमस भी मिलकर के उस फ्रूट को बना रहा है, तब हम ऐसे फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, और ये हमको देखने को मिलते हैं एप्पल में और स्ट्रॉबेरी में। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं, मीन्स जब उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है और बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी जब फ्रूट बनाती है तब हम ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जो रहते हैं वो सीडलेस होते हैं, इसमें सीड्स नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बनाना में, बनाना जो है वो एक तरह का पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है।
ग्रेप्स को हम देखेंगे कि ग्रेप्स जो रहता है वो नेचुरल तरीके से भी बन रहा है, मीन्स वो फर्टिलाइजेशन के बाद में भी बन रहा है, पर इसे इंड्यूस्ड करके यानी कि यहाँ पर इसे आर्टिफिशियल तरीके से भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तब ऐसे में वो ग्रेप्स जो रहते हैं वो सीडलेस होते हैं, तब हम उस ग्रेप्स को बोलते हैं वो कौन सा फ्रूट होता है, उसे हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है उन्हें ग्रोथ हॉर्मोन्स जो रहते हैं उनसे इंड्यूस करके बनाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सीड। हमने देखा था कि जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में ओवरी जो है वो मैच्योर होकर के फॉर्मेशन कर रहे थे फ्रूट का, और ओव्यूल जो होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं सीड का। तो यहाँ पर हम सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीड में मेनली हमको थ्री पार्ट दिखते हैं। एक होता है सीड कोट। सीड कोट जो आउटर कवरिंग रहती है, हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल रहता है इसमें टू इंटेग्यूमेंट थे, एक था आउटर इंटेग्यूमेंट और एक था इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये दोनों ही इंटेग्यूमेंट मिलकर के सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट जो रहता है ये बनाता है आउटर सीड कोट को, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। और इनर इंटेग्यूमेंट जो रहता है से इनर सीड कोट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं टैगमेन। इसके बाद हमने देखा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि डायकॉट जो सीड रहता है उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है, मोनोकॉट सीड होगा उसके अंदर भी एम्ब्रियो रहेगा। एम्ब्रियो में हमने देखा था कि एम्ब्रियनल एक्सिस है, जिसमें कि इपिकोटाइल पार्ट, हाइपोकोटाइल पार्ट, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये पार्ट प्रेजेंट थे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि कॉटिलेडन्स प्रेजेंट रहते हैं। हमने डायकॉट में देखा था कि कॉटिलेडन प्रेजेंट थे, मोनोकॉट में देखा था हमने कॉटिलेडन प्रेजेंट थे, और क्या देखा था हमने कि कॉटिलेडन में क्या रहता है, फूड जो रहता है वो रिजर्व फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जो कॉटिलेडन है इसके बेस पर सीड को क्लासिफाई किया गया है, डायकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। डायकॉट सीड नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट रहेंगे, टू कॉटिलेडन होंगे, और यहां पर होगा वन कॉटिलेडन। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एंडोस्पर्म जो था वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से यूज हो चुका है या अभी भी सीड के अंदर जो है एंडोस्पर्म बचा हुआ है। तो इस बेस पर जो डायकॉट सीड है इनको फिर से टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया, टू ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। तो एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, मतलब पूरी तरह से वो कंज्यूम नहीं हुआ है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कैस्ट्रो सीड में। सेकेंड है एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मीन्स ऐसे सीड जिनमें कि एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से यूज हो चुका है, अब वहां पर एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है पी में और ग्राम में। मोनोकॉट सीड को भी इसी तरह से क्लासिफाई किया गया है कि उसमें एंडोस्पर्म है या नहीं है। अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट होगा तब हम ऐसे मोनोकॉट सीड को बोलेंगे एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड, और ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मेज एंड वीट में। मेज और वीट में एंडोस्पर्म जो रहता है वो कंज्यूम नहीं होता है पूरी तरह से। अगर मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है, वहां पर एंडोस्पर्म नहीं है, तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और ये इस तरह के सीड्स हमको देखने को मिलते हैं ऑर्किड्स में। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर हमने देखा था न्यूसिलस टिश्यू प्रेजेंट था। अगर न्यूसिलस टिश्यू पूरी तरह से यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, या पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ,
जब सीड में न्यूसिलस जो है वो प्रेजेंट रहता है, परसिस्ट रहता है, तब हमने ऐसे सीड को नाम दिया था पेरिस्पर्मिक सीड कहा था। मींस इस सीड में क्या प्रेजेंट था, न्यूसिलस प्रेजेंट था, पूरी तरह से वहां पर कंज्यूम नहीं हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो सीड रहते हैं, जैसे जैसे सीड्स मैच्योर होने लगता है, इसके वाटर कंटेंट जो रहते हैं उसका लॉस होने लगता है, वाटर कंटेंट जो है वो खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे ये इनएक्टिव हो जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड, सीड के क्या क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका द रिजर्व फूड ऑफ सीड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। जब सीड से सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है उस टाइम क्या होता है, जो रिजर्व फूड है वो इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी ग्रोथ में, सीडलिंग की ग्रोथ में। यहां पर हमने देखा था कि सीड की चारों तरफ हार्ड कवरिंग है जिसको हमने सीड कोट कहा था। तो जो हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको, जो हमारे एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंजर्ड होने से बचाता है इसे। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सीड्स रहते हैं इसमें फूड स्टोर रहता है। हम साल भर हम क्या करते हैं, उन सीड्स को यूज कर सकते हैं अपने फूड के फॉर्म में। वीट हम यूज करते हैं, राइस हम यूज करते हैं, कैस्टर हम यूज कर रहे हैं, पी हम यूज करते हैं। तो इस तरह से उसमें चूंकि फूड स्टोर रहता है तो हम होल ईयर इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, सीड की मोबिलिटी के बेस पर हम उससे डिफरेंट डिफरेंट सीजन में क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वो फिनोमिना होता है जिसमें सेल विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चेंज हो जाती है सीड में। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर द फिनोमिना ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इमिटेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसे होता है एपोमिक्सिस देखते हैं हम, कि फर्स्ट वे अगर अपन देखते हैं तो क्या है, डिप्लॉयड एक्सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने देखा है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होती है और इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल का। और ये सेल्स जो थी वो फॉर्मेशन कर रही थी किसका, एग सेल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर क्या होता है इस प्रोसेस में, कि इसमें मियोटिक डिवीजन होता ही नहीं है, ये सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन से ही डिवाइड होती है। और माइटोटिक डिवीजन से जो सेल फॉर्म होगी यही सेल किसकी तरह काम करने लगेगी, एग सेल की तरह काम करने लगेगी। और बाद में इसी से फॉर्मेशन होगा किसका, सीड का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो है वो मेल गैमेट का कोई रोल नहीं होता, जो मेगास्पोर मदर सेल थी वही माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर के फॉर्मेशन करती है एग सेल का। यहाँ पर एग सेल जो होगी वो भी डिप्लॉयड ही होगी और एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगी। इसके बाद में सेकेंड मेथड देखते हैं हम, कि कैसे इसमें फॉर्मेशन होता है आपका जो एपोमिक्सिस प्रोसेस में, कैसे आपके जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के सी फॉर्म हो रहा है। सम सेल्स ऑफ न्यूसिलस विच आर डिप्लॉयड इन नेचर स्टार्ट डिवाइडिंग एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू एम्ब्रियो। हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियो से कहां किससे डेवलप हुआ था, न्यूसिलस की सेल से डेवलप हुआ था। तो न्यूसिलस की सेल जो रहती है वो ऑलरेडी कैसी रहती है, डिप्लॉयड रहती है। और यहाँ पर ये जो न्यूसिलस की सेल जो होती है, ये न्यूसिलस की सेल ही डिवाइड होकर के, बहुत सारी न्यूसिलस सेल रहती है, ये सेल्स जो होंगी वो डिवाइड होंगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें सेम रहेगा, डिप्लॉयड नेचर की ही है। और बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये सेल क्या कर रही है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये होती है एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस हम देख सकते हैं किसमें, सिट्रस में, सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है।
स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि जब किसी भी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे उसे हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड द पॉलीएम्ब्रियोनी। अब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड फॉर्म होते हैं। तो जब सीड के अंदर एग सेल के अलावा न्यूसिलस के सेल, सिनर्जिक या हम बोल सकते हैं कि जो इंटेग्यूमेंट की सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं, तब सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेल्स लाइक सिनर्जिक्स, सेल्स ऑफ न्यूसिलस, सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट इंटू एम्ब्रियो। यहां हम देखेंगे कि जब ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पर भी क्या होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एग इन एन एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक था उसमें हमने देखा था कि सिंगल एग सेल का फॉर्मेशन हुआ था, पर जब एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एग सेल फॉर्म होगी तो वहां पर भी क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी। इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।